हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट सीरीज के एक और प्रैक्टिस सेट के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है हम आपके मई 2019 के जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी जो है ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जो है वन लाइनर होंगे, जहां पर आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ट्रीटी वॉज अमेंडेड रिसेंटली टू इंक्लूड प्लास्टिक वेस्ट, यानी कि प्लास्टिक अपशिष्ट को शामिल करने के लिए हाल ही में किस संधि में संशोधन किया गया है। सो फ्रेंड्स, वो है बेजल कन्वेंशन, यानी के बेजल सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच कंट्री हैज बिकम द सेकंड वन इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी, यानी के जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा देश बन गया है। सो फ्रेंड्स, वो कंट्री है आयरलैंड, जहां पर जो है ब्रिटेन के बाद जो है आयरलैंड दूसरा ऐसा देश है दुनिया का जिसने अपनी कंट्री में क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज हैज बीन अपॉइंटेड बाय द यूएन एज इट्स एसडीजी, यानी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट। सो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किस व्यक्तित्व को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपने सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। सो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जैक मा, बी सोनाली बेंद्रे, सी दिया मिर्जा, या फिर ऑप्शन डी सुष्मिता सेन। सो फ्रेंड्स, इनमें से जो है ऑप्शन ए जैक मा और ऑप्शन सी दिया मिर्जा को जो है यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपने सतत विकास लक्ष्यों के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, विच कंट्री वॉज रिसेंटली चूजन एज को चेयर ऑफ कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी, यानी कि हाल ही में किस देश को आपदा न्यूनीकरण और रिकवरी के लिए सलाहकार समूह वैश्विक सुविधा के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सो फ्रेंड्स, वो कंट्री है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, विच इंस्टीट्यूशन डायरेक्टेड 18 स्टेट्स टू यूटीज टू सबमिट एक्शन प्लान ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर, यानी कि किस संस्थान ने उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग पर कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए 18 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया है। सो फ्रेंड्स, वो है एनजीटी, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच नेशन प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी टू प्रोटेक्ट इट्स कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी कि किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने अपने कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। सो फ्रेंड्स, वो नेशन है यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर सेवन है व्हेन द नेशनल डेंगू डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया, यानी कि भारत में जो है हर साल राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 18 मई को। क्वेश्चन नंबर एट है विच कंट्री रिसेंटली ब्लॉक्ड ऑल एडिशंस ऑफ विकिपीडिया, यानी कि किस देश ने हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करणों को अवरुद्ध किया है। सो फ्रेंड्स, वो कंट्री है चाइना। क्वेश्चन नंबर नाइन है विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड अ डिजास्टर रिलीफ सेस टू रेज एडिशनल रिवेन्यू इन इट्स स्टेट बजट, यानी कि किस राज्य ने अपने राज्य के बजट में अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए आपदा राहत उपकर लगाया, या फिर विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट हैज बीन लेविड 1% कमिटी सेस इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में 1% आपदा उपकर लगाया है। सो फ्रेंड्स, वो स्टेट है केरला, और इसी के साथ जो है केरला ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच नेशन हैज बैंड हेड स्कार्फ इन प्राइमरी स्कूल्स, यानी कि किस राष्ट्र ने प्राथमिक स्कूलों में हेड स्कार्फ पर प्रतिबंध लगा दिया है। सो फ्रेंड्स, वो नेशन है ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 है द सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज टू रेगुलराइज द पे ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स बिलोंगिंग टू विच स्टेट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य से संबंधित संविदा शाला शिक्षकों के वेतन को नियमित करने से इनकार कर दिया है, तो वो स्टेट है बिहार। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हेन इज द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, यानी के विश्व दूरसंचार दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 17 मई को। क्वेश्चन नंबर 13 है अ हाई लेवल कमेटी ऑन डिजिटल पेमेंट्स
रिसेंटली सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू दी आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दी कमेटी इज हेडेड बाय हुम, यानी कि डिजिटल भुगतान पर एक उच्च स्तरीय समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट आरबीआई को प्रस्तुत की है। समिति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? सो फ्रेंड्स, वो है नंदन नीलकर्णी। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूपीआई पेमेंट्स ऐप भारत पे अपॉइंटेड विच पर्सनैलिटी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि यूपीआई भुगतान ऐप भारत पे ने किस व्यक्तित्व को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सो फ्रेंड्स, वो पर्सनैलिटी है सलमान खान। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच स्टेट 26 रिजर्वायर्स हैव हिट जीरो वाटर स्टोरेज लेवल, यानी कि किस राज्य के 26 जलाशयों ने शून्य जल भंडारण स्तर को प्रभावित किया है? सो फ्रेंड्स, वो स्टेट है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेम द फादर ऑफ मॉडर्न लीगल एजुकेशन इन इंडिया हु पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि भारत में आधुनिक कानूनी शिक्षा के पिता का नाम बताइए जिनका जो है हाल ही में निधन हुआ है। तो उनका नाम है एन आर माधव मेनन। क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्पल फ्रॉग विल सून बी क्राउंड एज एम्फीबियन ऑफ विच स्टेट, यानी कि बैंगनी मेंढक को जल्द ही किस राज्य के उभयचर के रूप में ताज पहनाया जाएगा? सो फ्रेंड्स, वो स्टेट है केरला। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच नेशन हैज पुल्ड फ्रॉम सम की कमिटमेंट्स अंडर दी 2015 न्यूक्लियर डील, यानी कि 2015 के परमाणु समझौते के तहत कुछ प्रमुख प्रतिबद्धताओं से किस राष्ट्र ने नाम वापस लिया है? तो वो नेशन है ईरान। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच कंट्री रिसेंटली रिपोर्टेड द फर्स्ट एवर केस ऑफ द मंकी पॉक्स वायरस, यानी कि किस देश ने हाल ही में मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला दर्ज किया है? तो वो कंट्री है सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंडियाज न्यू स्पीसीज ऑफ रेडिश ब्राउन पिट वाइपर वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट, यानी कि भारत की लाल भूरे रंग की पिट वाइपर की नई प्रजाति हाल ही में किस राज्य में खोजी गई? तो वो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 है, द ईरानियन रेजिम हैज गिवन हाउ मेनी डेज टू द यूरोपियन यूनियन रशिया एंड चाइना टू इम्प्लीमेंट देयर कमिटमेंट्स टू द 2015 न्यूक्लियर डील, यानी कि ईरानी शासन ने यूरोपीय संघ रूस और चीन को 2015 के परमाणु समझौते के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए कितने दिन दिए हैं? तो वो है 60 डेज। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच एक्सटिंक्ट वर्ड हैज रिसेंटली रीअपीयर्ड आफ्टर रिवैल्यूएशन प्रोसेस, यानी कि किस विलुप्त पक्षी को हाल ही में पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद फिर से दिखाई दिया है? सो फ्रेंड्स, वो बर्ड है व्हाइट थ्रोटेड रेल। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ स्पीसीज ऑफ विच स्नेक हैव डिस्कवर्ड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा रिसेंटली, यानी कि हाल ही में उड़ीसा के पूर्वी भाग में किस सांप की एक प्रजाति खोजी गई है? सो फ्रेंड्स, वो स्पीसीज है वाइन स्नेक। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज अनाउंस्ड टू अबैंडन कंबंजन इंजन्स बाय 2039, यानी कि किस कार निर्माण कंपनी ने 2039 तक दहन इंजन को छोड़ने की घोषणा की है? सो फ्रेंड्स, वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मर्सिडीज बेंज। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली लॉन्च्ड द विजन 2021 डॉक्यूमेंट फॉर ई पेमेंट सिस्टम, यानी कि हाल ही में किस संस्था ने ई भुगतान प्रणाली के लिए विजन 2021 दस्तावेज लॉन्च किया? सो फ्रेंड्स, वो इंस्टीट्यूशन है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26 है, गूगल हैज अनाउंस्ड सस्पेंशन ऑफ इट्स सर्विसेज विद विच टेक्नोलॉजी जायंट, यानी कि गूगल ने किस टेक्नोलॉजी दिग्गज के साथ अपनी सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की है? सो फ्रेंड्स, वो कंपनी है हुआवे। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द नेम ऑफ फार्थेस्ट प्लेस इन यूनिवर्स वेयर नासा स्पेसक्राफ्ट हैज रिसेंटली फाउंड एविडेंस ऑफ वाटर, यानी कि ब्रह्मांड में सबसे दूर के स्थान का नाम क्या है जहां हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान को पानी के सबूत मिले हैं? सो फ्रेंड्स, वो है अल्टिम थुल। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच इंडियन एयर फोर्सेस एयरक्राफ्ट वॉज रिसेंटली सर्टिफाइड टू ऑपरेट ऑन इंडिजेनस बायोजेट फ्यूल, यानी कि हाल ही में किस भारतीय वायुसेना के विमान को स्वदेशी बायोजेट ईंधन पर संचालित करने के लिए प्रमाणित किया गया था? सो फ्रेंड्स, वो एयरक्राफ्ट है AN-32। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली लेबल्ड विच एडिक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर किस व्यसनी यानी कि लत विकार का लेबल लगाया है?
सो फ्रेंड्स, वो है एक्सेसिव गेमिंग, यानी कि अत्यधिक गेमिंग को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली लेबल किया है एज अ एडिक्टिव डिसऑर्डर। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन वाज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 2019 ऑब्जर्व्ड, यानी कि मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2019 कब मनाया गया था। सो फ्रेंड्स, ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 28 मई को, और इस बार का जो है इसका थीम था इट्स टाइम फॉर एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन इज वर्ल्ड नो टबैको डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर साल जो है सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को, जहां पर जो है 2019 वर्ल्ड नो टबैको डे का जो थीम था वो था टबैको एंड लंग हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनवेल्ड इट्स हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019, यानी कि किस राज्य सरकार ने अपनी हेल्थ केयर निवेश नीति 2019 का अनावरण किया है। तो वो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच स्टेट या फिर यूटी गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस टू बिल्ड अ वाटर म्यूजियम, यानी कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जल संग्रह बनाने की घोषणा की है। सो फ्रेंड्स, वो है दिल्ली। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें जो है हमने मई 2019 के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो जो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का ऑप्शन आता है, आप उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए।